यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की रसौली के इलाज की एक नई तकनीक है। इस तकनीक से हम बिना पेट पर कोई चीरा लगाए और बिना बच्चेदानी का ऑपरेशन किए फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर केतकी तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और आज इस वीडियो में हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, कौन से पेशेंट्स के लिए इलाज सही रहेगा, इस तकनीक से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप ये इलाज कराना चाहते हैं तो आपको कौन सी बातें पता होनी चाहिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको दूंगी। पिछले वीडियोस में हमने फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में डिटेल में जाना था। मैंने आपको बताया था कि फाइब्रॉइड्स कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनसे किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं और उनका इलाज कैसे होता है। आमतौर पर जब हम फाइब्रॉइड की दिक्कत के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमें दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल मैनेजमेंट में दवाई, गोली और इंजेक्शन से ही पूरा ट्रीटमेंट होता है। कुछ केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हो सकता है फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो या पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो, और ऐसे में हम मरीज को सर्जरी एडवाइस करते हैं। जाहिर सी बात है, हम में से ज़्यादातर लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते। हम सभी चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन के ही इलाज हो जाए, और ऐसे में कुछ केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए समझते हैं ये इलाज क्या होता है और इसे कैसे करवाया जाता है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के ट्रीटमेंट से पहले आपके डॉक्टर आपकी कुछ बेसिक जांचें कराएंगे और इन टेस्ट के रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही वो डिसाइड करेंगे कि ये इलाज आपके लिए सही रहेगा या नहीं। प्रोसीजर के दिन सुबह आपको खाली पेट अस्पताल बुलाया जाएगा। ये प्रोसीजर आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया या इंट्रावीनस सेडेशन में होता है, यानी इलाज के दौरान आप सो रहे होंगे, नींद में होंगे और आपको किसी तरह का दर्द नहीं होगा। एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज की जांघ के हिस्से यानी ग्रोइन एरिया या बाजू यानी आर्म एरिया में एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, एक नन्हा सा चीरा लगाया जाता है। इस चीरे का साइज पेंसिल टिप यानी पेंसिल की नोक से भी छोटा होता है, और इस नन्हे से चीरे के रास्ते एक बहुत ही महीन ट्यूब मरीज के शरीर में प्रवेश करती है। इस पतली सी ट्यूब को कैथेटर कहा जाता है, और फ्लोरोस्कोपी की टेक्निक की मदद से इस कैथेटर को बॉडी की आर्टरीज यानी धमनियों के रास्ते यूट्राइन आर्टरी तक पहुँचाया जाता है। फ्लोरोस्कोपी मूविंग एक्सरेज की टेक्निक है जिसकी मदद से हम कंटिन्यूसली बॉडी के अंदरूनी अंगों को देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। बहुत ही सावधानी से डॉक्टर्स यूट्राइन आर्टरी तक कैथेटर को पहुंचाते हैं। यूट्राइन आर्टरी वो आर्टरी है जिससे यूट्रस को ब्लड की सप्लाई होती है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण मेडिकल फैक्ट समझना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को आर्टरीज यानी धमनियों की मदद से ब्लड की सप्लाई होती है। इस ब्लड के रास्ते ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे अंगों तक पहुँचते हैं, और किसी वजह से अगर किसी धमनी यानी आर्टरी में ब्लॉकेज बन जाए, वहाँ रुकावट बन जाए, तो सही मात्रा में हमारे अंगों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी और वो अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की टेक्निक में होता है। जब डॉक्टर्स फ्लोरोस्कोपी की टेक्निक की मदद से कन्फर्म कर लेते हैं कि यूट्राइन आर्टरी में सही जगह पर कैथेटर पहुँच चुका है, तब ग्रोइन या आर्म एरिया में बने हुए नन्हे से इंसिजन के रास्ते ही कैथेटर में एक इंजेक्शन डाला जाता है। इस इंजेक्शन के रास्ते कुछ बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कण यूट्राइन आर्टरी तक पहुंचाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण प्लास्टिक या जेलेटिन जैसे मटेरियल की बॉल्स जैसे दिखते हैं, और यूट्राइन आर्टरी में जाकर ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ इनकी वजह से ब्लॉकेज बन जाता है, रुकावट हो जाती है। इस तकनीक को ही एम्बोलाइजेशन कहा जाता है, और इस ब्लॉकेज यानी रुकावट की वजह से यूट्राइन आर्टरी के आगे के हिस्से में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे फाइब्रॉइड को उचित मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता और फाइब्रॉइड धीरे धीरे साइज में श्रिंक हो जाता है और कुछ फाइब्रॉइड्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अगले 3 से 6 महीने में फाइब्रॉइड का साइज कम हो जाएगा या फाइब्रॉइड्स खत्म हो जाएंगे। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जिस तरह यूट्राइन आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से फाइब्रॉइड खत्म हो गया, उस तरह यूट्रस में भी ब्लड सप्लाई कम हो जानी चाहिए और यूट्रस को भी कुछ नुकसान होना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि यूट्राइन आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से यूट्रस को आमतौर पर नुकसान नहीं होता, क्योंकि यूट्रस को सिर्फ यूट्राइन आर्टरी से ही नहीं बल्कि और भी कुछ छोटी मोटी आर्टरी से ब्लड की सप्लाई होती है। और अगर यूट्राइन आर्टरी में किसी तरह की कोई रुकावट बन जाती है तो ये छोटी मोटी आर्टरीज आपस में एक नेटवर्क बना लेती हैं, इनसे कोलेटरल्स बन जाते हैं जिनमें अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होने लगती है, जिससे यूट्रस को सही अमाउंट में ब्लड पहुँचता रहता है और यूट्रस सही ढंग से काम करता रहता है।
तो नुकसान सिर्फ फाइब्रॉयड को होता है, यूट्रस को कोई नुकसान नहीं होता है। यूट्राइन आर्टर एम्बोलाइजेशन के प्रोसीजर में करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है और आमतौर पर उसी दिन छुट्टी हो जाती है या हो सकता है डॉक्टर आपको एक रात अस्पताल में रुकने का सुझाव दें। क्योंकि इस प्रोसीजर में पेट पर कोई बड़ा चीरा नहीं आता, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, बड़े बड़े टांके नहीं आते, इसलिए आमतौर पर मरीज की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। नॉर्मली हम पेशेंट को करीब 7 दिन रेस्ट करने का सुझाव देते हैं, पर अगले 2 से 3 दिन में यूजुअली पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबल फील करने लगते हैं और अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू कर सकते हैं। प्रोसीजर के बाद 2-3 दिन तक पेशेंट्स को हल्की फुल्की टायर्डनेस और वीकनेस महसूस हो सकती है और कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पेट में क्रैम्प्स यानी दर्द महसूस हो सकता है जो फाइब्रॉइड्स में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है। पर यूजुअली यूट्राइन आर्टर एम्बोलाइजेशन एक बहुत सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर होता है। पेशेंट्स के सिम्टम्स में काफ़ी आराम आता है और फाइब्रॉइड्स का साइज बहुत कम हो जाता है, कुछ फाइब्रॉइड्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। 90% से ज़्यादा केसेस में ये प्रोसीजर काफ़ी इफेक्टिव और यूजफुल होता है। किसी भी प्रोसीजर की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल होते हैं और यूट्राइन आर्टर एम्बोलाइजेशन के केस में भी ये चीज़ सत्य है। इस प्रोसीजर में भी ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस का खतरा होता है और एनेस्थीजिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हालांकि इनका इंसिडेंस बहुत कम होता है और नॉर्मली इस तरह की कंडीशंस इजीली मैनेज कर ली जाती हैं। पर कुछ रेयर केसेस में एक मेजर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हम यूट्राइन आर्टरी तक पहुंचाना चाहते हैं वो यूट्राइन आर्टरी की बजाय किसी और आर्टरी में पहुंच जाएं, जिसकी वजह से हमारे किसी मेजर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रुक जाए, और ऐसे केसेस में बड़े और लंबे इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है। इस तरह के सारे पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ट्रीटमेंट से पहले ही डॉक्टर आपको पूरी जानकारी दे देंगे। एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैम, यूट्राइन आर्टर एम्बोलाइजेशन के बाद दोबारा फाइब्रॉइड्स होते हैं या नहीं? क्या फाइब्रॉइड्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, दोबारा कभी फाइब्रॉइड्स नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मायोमेक्टमी की तरह ही यूट्राइन आर्टर एम्बोलाइजेशन के बाद दोबारा फाइब्रॉइड्स उत्पन्न हो सकते हैं और नॉर्मली अभी तक की रिसर्च के अनुसार 20-30% केसेस में फाइब्रॉइड्स की रिकरेंस देखी जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है। कुछ केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराने के बाद अगर फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आए या प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ें। इस टॉपिक पर रिसर्च अभी चल रही है और कुछ साइंटिस्ट का इस पर एक डिफरेंट ओपिनियन है, पर अभी आज की डेट में ज़्यादातर डॉक्टर्स यंग अनमैरिड लड़कियों में और उन पेशेंट्स में जो आगे जाकर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, ऐसे केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन रिकमेंड नहीं करते। ऐसे केसेस में आपको दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही प्रेफर करने चाहिए। एक बात जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, पर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते। ये प्रोसीजर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मेडिकल साइंस की एक अल्ग ब्रांच है और इस ब्रांच के डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड, MRI और CT स्कैन जैसी टेक्निक्स में ट्रेंड होते हैं। क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक फ्लोरोस्कोपी बेस्ड प्रोसीजर है, इसलिए इस इलाज को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर्स ही परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप ये इलाज करवाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड और फिजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये इलाज आपके लिए सही रहेगा या नहीं, और हो सकता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको किसी रिलायबल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलवा दें। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे, पर उसके पहले का सारा इलाज और फाइब्रॉइड का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट यानी आगे लंबे समय तक आपका जो भी इलाज चलेगा वो सारा का सारा इलाज गायनेकोलॉजिस्ट ही करेंगे। एक और बात मैं बार बार मेंशन करती हूँ और आज भी मैं कहना चाहूँगी, फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं पर ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सर्जरी की ज़रूरत तो बहुत ही कम केसेस में होती है। इसलिए अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं तो बिल्कुल नहीं डरना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके अपनी सिचुएशन कंफर्म करवा लें, ये असेस करवा लें कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो किस तरह का ट्रीटमेंट करवाना है। अधिकतर केसेस में फाइब्रॉइड्स आसानी से ट्रीट हो जाते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल सर्जीवाइज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।